लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। संभल के थाना बहजोई क्षेत्र में गांव की रंजिश के चलते प्राथमिक विद्यालय से लौट रहे बाइक सवार विशिष्ट बीटीसी छात्र को हमलावरों ने गोली मार दी। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के पिता ने जमीनी रंजिश को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। बहजोई थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई है, क्या मामला था, कैसे, क्या बताइए? ये थाना क्षेत्र बहजोई के अंतर्गत समसपुर गुड़ में एक अध्यापक प्रशिक्षु बालेंदु नाम के, जिनका पैतृक गांव धनारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरेठा पड़ता है, वह समसपुर गुड़ जहां वो पढ़ाते थे वहां से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास वो संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए। लोगों ने, आसपास के लोगों ने जब देखा और पुलिस को सूचना दी तो वहाँ पर मौके पर जाकर देखा गया कि उनको फायर आर्म इंजरी है। फायर आर्म इंजरी होने का मतलब कि उनको, उनका मर्डर किया गया है। बाकी अभी जो उनके परिजन तहरीर देंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चंदौली में जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जा रहे मरीज के परिजनों को रोकना डॉक्टर को भारी पड़ गया और मरीज के परिजनों ने नेत्र सर्जन और उसके सहायक को जमकर पीटा, जिससे सर्जन और सहायक घायल हो गए। नेत्र सर्जन की गलती बस इतनी रही कि मरीज के परिजन जूते पहनकर ऑपरेशन थिएटर में आ रहे थे और सर्जन ने जूता पहनकर अंदर आने से उन्हें मना कर दिया था। क्या घटना हुई? करीब 12 बजे मैं अस्पताल की ओटी में आया, मेरा भी एक मरीज था जिसको देखना था। मैंने देखा कि ओटी के कमरे के ठीक बाहर कई लोग जूता चप्पल पहन के खड़े हैं, जो कि ऑपरेशन थिएटर का ही एक पार्ट है, उसमें जूता चप्पल पहन के जाना वर्जित है। मेरे मना करने पर एक सफ़ेद पैंट शर्ट पहना हुआ युवक तथा उसके साथ आया हुआ एक व्यक्ति जो गमछा लपेटे हुए था, उन्होंने मुझसे बहस की और किसी सांसद को बुला लेने की धमकी दी तथा देख लेने की धमकी दी। मेरे मना करने के बावजूद भी वो लोग कमरे से बाहर नहीं गए तथा मुझसे उलझ गए और बीच बचाव करने आए हमारे नेत्र सहायक सुशाकर जी के साथ तथा मेरे साथ उन्होंने मारपीट की। जब तक खबर अन्य लोगों को लगती तब तक वो लोग मारपीट करके भाग गए। आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करा? दर्ज करा दिया है। हरदोई में अज्ञात युवती का पेड़ में फंदे से शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला देहात कोतवाली के आशा गांव का है। स्थानीय लोगों ने शव लटके होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। फिलहाल युवती की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वाली देहात क्षेत्र के आशा गांव में आज एक 22 साल की युवती की लाश से मारपीट हुई और आसपास जानकारी करने पर तमाम महिलाएं और सब आ गए हैं, लेकिन उसके किसी ने पहचान नहीं की है। बाड़ी से भी आवश्यक कार्रवाई करके उसको PM को। हरदोई में एक अजीब और गरीब मामला सामने आया जब एक कुकर्मी आदमी को एक बच्चे के साथ
दुष्कर्म करते पकड़ा गया और पुलिस को सौंप दिया गया। मामला शाहबाद के काशी राम कॉलोनी का है, जहां प्रशांत उर्फ राजीव जो कि कस्बे का ही रहने वाला है। अब देखना होगा कि पुलिस जो कई मामलों में संदिग्ध रहती है, इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। जीआरपी मुगलसराय को बड़ी कामयाबी मिली है, जब चेकिंग के दौरान एक तस्कर को 3,23,000 नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया। नकली नोट की यह खेप पाकिस्तान से बांग्लादेश के जरिए भारत लाई गई थी। आरोपी पश्चिमी बंगाल के मालदाह से नकली नोट की यह खेप लेकर सप्लाई के लिए जयपुर जा रहा था। आज हमारे यहाँ चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म नंबर 5/6 पे 11:20 पे तालीम शेख निवासी मालदा का है रहने वाला, उसके पास से 1,000 के 3,23,000 रुपये बरामद हुए हैं, जो कि जाली नोट हैं। और इसके बारे में इसकी पूरी विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक तो इससे जो जानकारी मिली है वो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये बांग्लादेश से नोट बॉर्डर पे रहने वाला है, बॉर्डर से ही लेकर के आ रहा है। और पूछताछ में इसने ये भी बताया कि पाकिस्तान से बांग्लादेश आता, फिर बांग्लादेश से ये लोग लेकर के भारत में जयपुर और इधर पश्चिम के इलाकों में ज्यादातर ले आकर के देते हैं। लगातार 2 महीने में नकली नोट की तीसरी खेप है, नहीं लगता कि मालदा और पश्चिम बंगाल एक गढ़ होता जा रहा है नकली नोटों का? बिल्कुल सही है, उस पर हम लोग प्रतिबंध करने के लिए अपनी तरफ से पूरी जितनी भी शाखाएं हैं सब लोग लगे हुए हैं और उसके पूछताछ भी चल रही है। और हाँ, इसके लिए कई जांच एजेंसियां आ रही हैं और इनसे पूछताछ भी कर रही हैं। प्रतापगढ़ जनपद के सांगीपुर थाना क्षेत्र में रंगोली नए का पूखा में रहने वाले 3 बहन 2 भाई अपने माता पिता की मौत के बाद दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि इन अनाथ बच्चों के पिता राम मिलन वर्मा की किडनी डैमेज होने के चलते मौत हो गई थी। अब सवाल खड़ा होता है कि नाबालिग भाई के लिए बहन की शादी का बोझ उठाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन पड़ रहा है। प्रशासन से उम्मीद लगाई जा रही है कि घर बैठे इन बच्चों की पुकार सुनी जाए। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में कोई नहीं है, 5 बहन भाई हैं बस। कितने भाई बहन हो? 2 भाई और 3 बहन हैं और हमारे साथ कोई नहीं है। आपके मम्मी पापा? हमारे पिताजी की किडनी खराब हो गई थी, इसी कारण वो मृत्यु उनकी हो गई थी 2015 में। और हमारी माता जी ने नाली में गिर गई थी और सिर पे चोट लगने के कारण वो भी हमारे ख़त्म हो गई थी। हमारे पास पैसा नहीं था, अब दवाई कहाँ लेकर जाएं? हमारे पास कोई भी पिता भी क्या नहीं है और माता भी जी भी नहीं है, हम सब अनाथ हो गए हैं। हमारे सर पे कोई किसी का साया नहीं है, हम लोग कहाँ जाएं? ना पढ़ने के लिए पैसा है, ना खाने के लिए कोई भी पैसा भी नहीं है, यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है। आप लोग का खर्चा कैसे चलता होगा? हमारा खर्चा कहाँ, हमारा हम छोटे छोटे हैं बस, खर्चा कैसे चलेगा जब हम सब छोटे छोटे हैं, हमें कोई नहीं है कमाने के लिए देने के लिए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों डेंगू के बढ़ते प्रकोप से सभी खौफ में हैं। सीएम अखिलेश यादव ने भी सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए हैं और पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा है, मगर सीएम के आदेश के बाद भी मिर्जापुर में स्वास्थ्य महकमा अभी भी लापरवाह बना हुआ है। जिला अस्पताल में इसका नजारा तब देखने को मिला जब अस्पताल के डेंगू वार्ड पर ताला लटका मिला। साथ ही अस्पताल में अभी तक डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए किसी डॉक्टर की नियुक्ति भी नहीं की गई। जिला अस्पताल को डेंगू के
मरीज के आने का इंतजार है, शायद तब जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड का ताला खुलेगा। बुखार के मरीज बहुत आ रहे हैं, उसमें वायरल फीवर और मलेरिया भी होंगे। इसके अलावा डेंगू की भी बात इसलिए की जा रही है कि सब में बुखार होना है, सब में तेज बुखार होना है, इसलिए जांच बहुत जरूरी है। रोज 1000। आप सही कह रहे हैं, ये ऐसा अगर है तो इसका हम लोग पता लगाते हैं कि डेंगू वार्ड क्यों बंद है, उसको तुरंत खोलना है, खुलवाना है, और जो भी व्यवस्थाएं जरूरी हैं वो सब कर ली जाएंगी और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने पाएगी। हमारे जिले में भी रोकथाम की पूरी तैयारी है और सबको बता दिया गया है कि डेंगू जो है मच्छर काटने से होता है और इसका मच्छर साफ पानी में पनपता है, इसलिए अपने आसपास विशेषकर अपने घर में साफ पानी इकट्ठा न होने दें। यूपी के अमरोहा में आबकारी विभाग की मिली भगत के चलते धड़ल्ले से जहरीली शराब का काला कारोबार फल फूल रहा है और इस जहरीली शराब के अवैध कारोबार ने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि एक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और उसे इलाज के लिए निजी चिकित्सा में भर्ती करवाया गया है। हालांकि इस मामले में मृतकों के परिजन और थाना पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। शराब पी थी? हाँ, कहाँ पर, कहाँ से खरीदी थी शराब? कौन कौन था? गांव का ही था। क्या नाम था? नरेंद्र। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।